तो फ्रेंड्स यार बहुत से मेरे दोस्त यार ये चाहते हैं कि यार इस तरह का पैट, इस तरह का जो हमारा वर्चुअल पैट है ये हर किसी के लैपटॉप में हो और ये चारों तरफ हमारे डिस्प्ले पे घूमे, जो कि यार बहुत ही अच्छा लुक देता है किसी भी लैपटॉप को। अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो यार ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है अपने लैपटॉप में लगाने के लिए। तो इस तरह के वर्चुअल पैट को हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी प्रोसेस में आज आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और इसकी सारी सेटिंग्स मैं आपको सब कुछ आज बताऊंगा इस वाली वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स यार ये वाली वीडियो उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी जिसके पास असूस का लैपटॉप है, जिसके पास असूस की गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि असूस के गेमिंग लैपटॉप में जो हमारी आर्मरी क्रेट होती है जो कि इस लैपटॉप की सारी परफॉर्मेंस को शो करता है, आर्मरी क्रेट होती है, तो उस आर्मरी क्रेट के अंदर ये वाला अपडेट है। लेकिन इस वाले अपडेट को आपको किस तरह से सामने लेकर आना है, ठीक है, किस तरह से इसको अपडेट करना है आर्मरी क्रेट को और ये कहां से इंस्टॉल करना है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जिसके पास असूस टफ या फिर असूस रोग नाइट्रिक्स या जो गेमिंग लैपटॉप है जिन गेमिंग लैपटॉप में उनके पास आर्मरी क्रेट है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ जो आपके सामने ये जो पैड दिख रहा है इसके बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ये हमारा बैटरी दिखाता है, ठीक है, हमारी जब बैटरी लो होगी तो वो शो करता है, ये डायलॉग्स वगैरह इसके अंदर है। और मैं जैसे वाईफाई ऑफ करूंगा तो देखना एक बार आप यहाँ पर देखना ये क्या दिख रहा है, आप देख के आ रहा है हु टर्न्ड ऑफ द वाईफाई, ठीक है, गुस्सा हो रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे एनिमेशंस हैं जो इस पैड के अंदर इंस्टॉल है। और वाईफाई वगैरह ऑन करता हूँ, ठीक है, या फिर जब मेरी बैटरी डाउन होने वाली होती है या फिर जब मेरी बैटरी फुल होती है तब ये अलग तरीके एनिमेशन करता है। और इसके अंदर ये अलग से ही एक्शन क्विक स्वैप वाले ऑप्शन से, जैसे कि आप देख रहे हो पहला ऑप्शन मैंने भी सिलेक्ट किया है, तो ये गुस्सा कर रहा है, यहाँ पर ये सीटी बजा रहा है। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग एनिमेशंस हैं, जैसे कि और ये काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आ गए, ये रेज वाला था गुस्से वाला, और इसमें है अभी रिलीफ, तो देख रहे हो जिस कैसे मतलब इसने अच्छे चैन की सांस ली है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की नौटंकियाँ करता है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने डेस्कटॉप पे लगाना। तो मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ और यहाँ से आप इसका साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, आप इसका साइज डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं और अंदर से भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी है, आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या इसको ओपेक करना चाहते हैं, ठीक है, ओपेसिटी इसकी बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं। और ये एपीआर रैंडम वगैरह है, ये अपने आप यहाँ पर अपने और जैसे मैं इसके और यहाँ पर इसका स्ट्रोलिंग मोड आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको ऑन करूँगा तो ये पूरे स्क्रीन पर घूमने लगता है, ऑफ कर दूंगा तो ये उसी जगह रुक जाता है। और ये इसके कुछ एक्सेस वगैरह थे और ये इसके डायलॉग्स वगैरह हैं जो कि आपने देखा होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में इसने हमारा कहा था हु टर्न ऑफ द वाईफाई या हु जो कुछ भी या जिस तरह के भी हमारे एनिमेशंस आते हैं तो उसको शो करता है। और यहाँ पर क्विक एक्सेस में इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर रखे हैं, जो राइट क्लिक करके मैं इस पर शो करता हूँ, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मेरे शो कर रखे हैं। और आपको जैसे ये वाला ऑप्शन इसमें करना है तो क्लिक करके इसको ऐड टू लिस्ट कर देंगे तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा इसमें आ जाएगा ओपेसिटी का भी, तो इसको मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और टूल्स में जाके हमारे इसमें काफ़ी सारे न्यू तरीके इसमें CPU मेमोरी स्टोरेज नेटवर्क ये सब कुछ शो करता है कि कितनी हमारी CPU है, कितना हमारा नेटवर्क स्टोरेज वगैरह, ये सारी प्रोसेस हमें दिखाता है कि हमारा कितना CPU यूज हो रहा है या कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी 24 GB रैम है जो कि मेरी 6.3 GB अभी यूजेज है। तो इसी तरह के काफ़ी सारे और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें शो करता है, ये सेटिंग्स में जाके आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और आप इसको किसी भी और आप इसको अपने पूरे डिस्प्ले पे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आपने लगा सकते हैं इसको। और जैसे कि आप इसको पेट पे क्लिक करेंगे तो ये असूस का लोगो बना देता है, या जैसे आप इसको चेहरे पे क्लिक करेंगे तो ये अजीब तो एक मास्क सा पहन लेगा, जैसे कि मैंने अभी चार्जर्स में लगाया तो देख रहे हो आप, देखो एकदम से इसने प्लग यहाँ पर लगाया और अपने खुद का प्लग यहाँ पर लगाया और एकदम पावर अप हो गया, ऐसा लग रहा है इसमें खुद के अंदर इसकी एनर्जी आ गई हो। तो ये वाला पैड इसी तरह से काफ़ी सारे एनिमेशन करता है, तो मैं आपको बताता हूँ इस वाले पैड को आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस पैड को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना आर्मरी क्रेट ओपन करनी है, तो जैसे कि इसमें एक और आप इसने एनिमेशन दिया टेक कंट्रोल ऑफ द होल वर्ल्ड आर्मरी क्रेट, तो ये सिर्फ असूस टफ में ही आर्मरी क्रिएट आती है, असूस टफ या असूस रोग स्ट्रिक्स वगैरह जिसमें भी आर्मरी क्रिएट का ऑप्शंस हो। तो ये मेरी पूरी आर्मरी क्रिएट है। अब आपको जाना सेटिंग्स में, तो इसमें सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको जाना अपडेट सेंटर पे। अपडेट सेंटर में आपको सबसे पहले अपनी आर्मरी क्रिएट को पूरा अपग्रेड कर लेना, क्योंकि ये वाला अपडेट सिर्फ अपग्रेड में ही आया है, ठीक है। जब आप अपनी आर्मरी क्रिएट को अपडेट कर लेंगे तभी आपको ये वाला पेट वाला ऑप्शन शो होगा।
तो यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं कि आपका कौन सा वर्जन है, आप या इसमें अपडेट के लिए आ जाएगा ऑटोमेटिक जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट करेंगे। तो जैसे कि मेरे इसमें अभी कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर रखा है, इसी वजह से मेरा वर्चुअल पेट यहाँ पर शो कर रहा है। तो अपडेट करने के बाद अब आपको जाना पड़ेगा एक सेटिंग्स में जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फीचर्स दिखाई दे रहा होगा, नीचे वाला फीचर्स, ये फीचर्ड लिखा है यहाँ पर। तो फीचर पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, गेम्स डील, कंटेंट प्लेटफॉर्म, तो आपको और ये रिकमेंडेड, ठीक है। तो आपको जाना रिकमेंडेड पे, रिकमेंडेड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल पेट का आपका ऑप्शन आ गया, वर्चुअल पेट का। उसके बाद आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। तो अभी तो मेरा वर्चुअल पेट डाउनलोड ऐसे वैसे लॉन्च पे क्लिक करने के लिए आ रहा है, आपका डाउनलोड के लिए आएगा, ठीक है, आपका डाउनलोड के लिए आएगा, 50 MB का है तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही इस पर लॉन्च के लिए आएगा आप उसको लॉन्च कर देना, जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर ये वर्चुअल पेट आ जाएगा। और स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग्स वगैरह आप उसकी चेंज करना चाहें, स्टार्टिंग में सेटिंग वगैरह चेंज करने के लिए आएगा ऑप्शन, तो आप उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चेंज कर देना, जो भी आप चाहें, जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है। उसके आप वहाँ आप डायरेक्ट ही आप इसके साइज वगैरह आप पेट के साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं वहीं से, ठीक है। आप सब कुछ अपने सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं इसके ऑप्शंस को, और इसमें और भी काफ़ी सारे अदर जो हमारे सॉफ्टवेयर सब वो भी इसमें शो करते हैं रिकमेंडेड में जाके। तो यही था यार इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और आपको कुछ मैंने इसमें सेटिंग्स भी बता दें आपको, और सारी सेटिंग्स किस काम आती हैं। तो फ्रेंड्स यार ये वाला वर्चुअल पेट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारे यार GTA 5 के मोड्स की वीडियो डाल रखी हैं, और काफ़ी सारे मैंने Asus A17 में जो मैंने गेम्स खेले हैं उन सारे गेम्स की मैंने वीडियो भी डाल रखी हैं, उन सारे गेम्स की वीडियो मैंने FPS मीटर ऑन करके डाली है। तो अगर आप वाली वीडियो देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो आप इस वाले पेट को इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप में। तो ठीक है फ्रेंड्स यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।